नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप हैं बिहारी न्यूज के साथ। और अभी हम बात करेंगे बिहार से कौन कौन मंत्री बनाए गए हैं मोदी मंत्रिमंडल के दूसरे कार्यालय में, कौन कौन बिहार के नेता इसमें शामिल हैं। मोदी सरकार 2 में शामिल बिहार के सभी मंत्रियों को मंत्रालय भी आवंटित कर दिए गए हैं। शुक्रवार को इसकी घोषणा केंद्र सरकार ने कर दी है। इसमें कैबिनेट मंत्री रविशंकर प्रसाद और राम विलास पासवान को पुराने विभाग, क्रमशः कानून मंत्रालय और खाद्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आरके सिंह को पुराने विभाग का ही दायित्व मिला है, उन्हें ऊर्जा मंत्री बनाया गया है। केंद्र में पहली बार मंत्री बने नित्यानंद राय को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के नज़दीकी काम आया, उन्हें गृह राज्य मंत्री बनाया गया है। इसी तरह अश्विनी चौबे और गिरिराज सिंह को भी विभाग आवंटित कर दिए गए हैं। बिहार के हिस्से में इस बार 6 मंत्री आए हैं। सबसे बड़ा फायदा बेगूसराय से जीते गिरिराज सिंह को हुआ है। पिछली बार वे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे, तो इस बार वे कैबिनेट मंत्री बने हैं। गिरिराज सिंह को पशुपालन मंत्री का विभाग मिला हुआ है। बेगूसराय से जीते गिरिराज सिंह को मोदी कैबिनेट में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य मंत्री बनाया गया है। बता दें कि गिरिराज सिंह बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से 4,22,000 मतों के बड़े अंतर से जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को हराकर संसद पहुंचे हैं। पिछले कार्यकाल में उनके जिम्मे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय था। उन्हें विभाग में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे, लेकिन इस बार उन्हें प्रमोशन देकर कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। राम विलास पासवान को उपभोक्ता संरक्षण एवं खाद्य मंत्री बनाया गया है। एनडीए की मोदी सरकार 2 में शामिल कर लिया गया है और पिछली सरकार वाली ही जिम्मेदारी दी गई है। लोजपा सुप्रीमो राम विलास पासवान इस बार राज्यसभा सांसद बनेंगे। रविशंकर प्रसाद को विधि एवं न्याय, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्री बनाया गया है। बिहार के पटना साहिब लोकसभा से जीते सांसद रविशंकर प्रसाद दोबारा मंत्री बन गए। उन्हें नरेंद्र मोदी की सरकार में फिर शामिल किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। दरअसल पीएम मोदी की कैबिनेट में बिहार से भी लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले कुछ नेताओं को जगह मिली है। इसमें से रविशंकर प्रसाद को भी शामिल किया गया। रविशंकर प्रसाद ने पटना साहिब लोकसभा सीट से जीत हासिल की और उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा को हराया है, जो कि पहले बीजेपी के तरफ से यहां से चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। वहीं अश्विनी चौबे कांग्रेस सरकार में के तिवारी के बाद अश्विनी कुमार चौबे बक्सर से ऐसे दूसरे सांसद हैं जो केंद्र में दोबारा मंत्री बने हैं। चौबे मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री रहे हैं। उन्हें स्वास्थ्य एवं राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई थी। इस चुनाव में लगातार दूसरी बार बक्सर लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए चौबे 5 बार भागलपुर का विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इस बार उन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। वहीं आरके सिंह नौकरशाह से राजनेता बने। 1975 बैच के आईएएस अधिकारी राजकुमार सिंह यानी आरके सिंह को मोदी कैबिनेट में दोबारा शामिल कर लिया गया। वे आरा से दोबारा सांसद बने थे। उन्होंने सीपीआई माले के उम्मीदवार को हराया था। इससे पहले भी आरके सिंह केंद्र में मंत्री थे। इन्हें भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है इस बार। नित्यानंद राय, बिहार भाजपा अध्यक्ष नित्यानंद राय भी मोदी कैबिनेट में शामिल किए गए हैं। नित्यानंद राय अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं। वे पहली बार केंद्र में शामिल हुए हैं। उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। उन्हें भाजपा ने वर्ष 2016 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी थी। नित्यानंद राय ने इस बार रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को हराया है। नित्यानंद राय को राज्य मंत्री बनाया गया है। तो ये बिहार से उन नेताओं का नाम है जो मोदी कैबिनेट 2 में इस बार इनको जगह मिली है। बिहार से 6 लोगों को इस बार मोदी कैबिनेट 2 में जगह मिली है, जिनके नाम और मंत्रालय अभी हम आपको बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। शुक्रिया।